दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल किया जा सकता है। साथ ही ड्राई डे की संख्या भी घटाकर 3 की जा सकती है। दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई एक समिति ने ये सुझाव दिए हैं, जिस पर जनता के सुझाव जानने के बाद दिल्ली सरकार फैसला करेगी। अगर सुझाव मान लिया जाता है तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती के दिन ही शराब के ठेके बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने एक्साइज रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। सितंबर महीने में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में ये समिति बनाई थी। समिति का काम राजस्व बढ़ाने, शराब के कारोबार की दिक्कतें दूर करने के लिए सुझाव देना था। इसके अलावा राज्य सरकार कई और आबकारी नियमों में ढील देने का भी प्लान कर रही है, जिसका सुझाव इस समिति ने दिया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या है समिति की मुख्य सिफारिशें। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का सुझाव। रिपोर्ट में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल होने का हवाला दिया गया है। इसी तरह पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर साल में ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 करने का भी सुझाव दिया गया। डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर और वाइन बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तों को आसान बनाने और पूरे शहर में एक समान ठेके खोलने का सुझाव दिया गया है। अभी दिल्ली में कुल 864 शराब के ठेके हैं, लेकिन किन्हीं स्थानों पर इनकी संख्या कम तो कहीं ज्यादा है। समिति ने सुझाव दिया है कि सभी 272 म्यूनिसिपल वार्डो में 3-3 शराब की दुकानें होनी चाहिए। एनडीएमसी में 24 और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 दुकानें होनी चाहिए। सभी 70 विधानसभाओं में एक सरकारी शराब की दुकान जिसके पास देशी शराब बेचने का लाइसेंस भी हो होनी चाहिए। इसके अलावा समिति ने देश भर के प्रतिष्ठित ब्रांड को रजिस्ट्रेशन में तरजीह देने और हर 2 साल पर लॉटरी से रिटेल लाइसेंस अलॉटमेंट के सुझाव भी दिए हैं। दिल्ली सरकार की समिति के सुझावों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली सरकार आबकारी नीति में बदलाव करने जा रही है, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ाया जा सके। एक तरफ तो केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकट के बीच बिजली पानी फ्री रखने के फैसले को मार्च तक बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार सब्सिडी की इस भरपाई शराब से करेगी? क्या नियमों में ढील देने यानी डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री, ठेकों की संख्या बढ़ाने या फिर उम्र कम करने जैसे सुझाव अगर मान लिए जाते हैं तो क्या इससे राजधानी दिल्ली में क्राइम में बढ़ोतरी होने के चांस नहीं है? पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली सरकार की समिति के सुझावों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली सरकार आबकारी नीति में बदलाव करने जा रही है, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ाया जा सके। एक तरफ तो केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकट के बीच बिजली पानी फ्री रखने के फैसले को मार्च तक बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार सब्सिडी की इस भरपाई शराब से करेगी? क्या नियमों में ढील देने यानी डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री, ठेकों की संख्या बढ़ाने या फिर उम्र कम करने जैसे सुझाव अगर मान लिए जाते हैं तो क्या इससे राजधानी दिल्ली में क्राइम में बढ़ोतरी होने के चांस नहीं है? पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।